नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज इस चैनल के माध्यम से एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है गीता का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महात्मा गांधी के पास एक व्यक्ति गीता का रहस्य जानने के लिए आया। उसने महात्मा गांधी से गीता के रहस्य के बारे में पूछा। गांधी जी उस समय फावड़े से आश्रम की भूमि खोद रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को पास बिठाया और फिर से आश्रम की भूमि खोदने में लग गए। इसी तरह काफी समय हो गया, लेकिन महात्मा गांधी उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोले। आखिर में अकेले बैठे बैठे परेशान होकर वो व्यक्ति महात्मा गांधी से बोला, मैं इतनी दूर से आपकी ख्याति सुनकर गीता का मर्म जानने के लिए आपके पास आया था, लेकिन आप तो केवल फावड़ा चलाने में लगे हुए हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया, भाई मैं आपको गीता का रहस्य ही तो समझा रहा था। महात्मा गांधी की बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, आप कहां समझा रहे थे, आप तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले। गांधी जी बोले, बोलने की आवश्यकता नहीं है, गीता का मर्म यही है कि व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए। बस फल की आशा किए बगैर निरंतर कर्म करते चलो, यही गीता का मर्म है। गांधी जी के इस उत्तर को सुनकर व्यक्ति को गीता का रहस्य समझ में आ गया। तो दोस्तों, व्यक्ति को फल की चिंता किए बगैर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर कुछ काम करने लग जाओ कि बाद में जेल जाना पड़े। इसका मतलब ये है कि कोई काम हमने स्टार्ट किया और हम बार बार फल यानी कि रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहें, ये गलत है। इससे हम उस काम को करने में सही से ध्यान नहीं लगा पाएंगे और उसमें असफल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करो, फल अपने आप अच्छा मिलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।